अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ट्रिपल बेरी सैलेड। ये सैलेड समर की स्पेशल सौगात है। आइए देखते हैं इस कलरफुल से सैलेड को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने स्प्रिंग मिक्स का इस्तेमाल किया है, आप कोई सी भी लेटस ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज 1 कप, ब्लूबेरीज 1 कप और रेसबेरीज 1 कप। ड्रेसिंग बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी जैम चाहिए 2 टेबलस्पून, हरा धनिया 1 टेबलस्पून, वाइट बेलसैमिक विनेगर चाहिए 2 टेबलस्पून, अगर आपके पास ब्लैक वाला है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजॉन मस्टर्ड चाहिए 1/2 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 1/4 कप, फेटा चीज़ हसब ज़रूरत, आलमंड्स चाहिए 1/2 कप, इसको मैंने रात भर भिगो कर इसकी स्किन निकाल ली है, और शुगर चाहिए 3 टेबलस्पून। अब सबसे पहले एक पैन में शुगर डालेंगे और हमने इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करना है, वरना ये कैरामलाइज्ड हो जाएगी। जब ये मेल्ट होने की तरफ आ जाएगी तो हम आलमंड्स भी ऐड कर देंगे और हम उसको जब तक पकाएंगे जब तक वो अच्छी तरीके से शुगर कोटेड ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। देखें बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसको एक डिश पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब सैलेड की ड्रेसिंग बनाते हैं। यहाँ मैं ऑलिव ऑयल के अंदर डीजॉन मस्टर्ड, वाइट बेलसामिक विनेगर। वाइट बेलसामिक विनेगर का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप ब्लैक कलर बेलसामिक विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल वाइट विनेगर आता है उससे इस ड्रेसिंग का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता, तो अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप वाइट विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, 2 के बजाय आप 4 टेबलस्पून कर लें। स्ट्रॉबेरी जैम, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और हरा धनिया भी शामिल कर दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो क्रश्ड क्यूमिन भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। अब सैलेड की असेंबली करते हैं। लेटस को अच्छी तरीके से धो के आप सैलेड स्पिनर में ड्राई कर लें और उसके बाद अब मैं यहाँ पर सारी बेरीज डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैंने सेव कर ली हैं टॉपिंग के लिए। नट्स डाल देती हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सेव कर रही हूँ टॉपिंग के लिए। फेटा चीज़ डाल दें जितनी भी आपको पसंद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप गोट चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको टॉस कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरीके से हर चीज़ मिक्स हो जाए और यहाँ पर मैं सैलेड ड्रेसिंग को एक बॉटल में निकाल रही हूँ ताकि जिसको जितनी चाहिए वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकें। ये मैं इंडिविजुअल सर्विंग के लिए कर रही हूँ। अगर आप एक बड़े बोल में डाल रहे हैं तो राइट बिफोर सर्विंग आप इसके ऊपर ड्रेसिंग डाल देंगे, पहले से ड्रेसिंग डाल के नहीं रखिएगा। और मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल कप्स ले लिए हैं, ये इंडिविजुअल सर्विंग के लिए हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। कभी अगर आपके पास दावत हो और आप इंडिविजुअल सर्विंग करना चाहें तो आप इस तरह क्लियर कप्स में निकाल सकती हैं, उससे ये बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। मैं सब में थोड़ी थोड़ी सैलेड डाल लूँगी और जो लेफ्ट ओवर हमारे पास बेरीज और नट्स और फेटा चीज़ थे उससे इसको गार्निश कर दूँगी। बहुत ही कलरफुल सैलेड तैयार हुई है और बहुत ही रिफ्रेशिंग भी। आप इसी तरीके से एक बोल में भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअली सर्व करें। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग ड्रिजल कर रही हूँ ताकि मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा सकूँ। कितनी शाइनी सी सैलेड हो गई है और कितनी कलरफुल सी। इसके ऊपर भी मैं बाकी लेफ्ट ओवर बेरीज़ और फेटा चीज़ और आलमंड्स को टॉप कर दूंगी, उससे ये बहुत प्रेजेंटेबल लगती है। और सैलेड को कभी भी ड्रेसिंग डालकर नहीं रखते हैं, उसको हमेशा राइट बिफोर सर्विंग हम ड्रिजल करते हैं ताकि सैलेड क्रिस्पी रहे। मैं यहाँ
यहाँ थोड़ी सी ड्रेसिंग और ड्रिजल कर देती हूँ ताकि जो हमने गार्निशिंग की है उसके ऊपर भी ड्रेसिंग का फ्लेवर आ जाए। मज़ेदार सैलेड तैयार है, आइए इसको एंजॉय करते हैं और आपसे करते हैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe to Amma Kaka's channel for more. Thank you for watching.